बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रविशरासदी वयस्सरली अम्री हुवल उक्तदु मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। नाज़रीन, आज से एक दो दिन पहले मैंने आपके साथ एक बैरी टाउन का एक प्रोजेक्ट शेयर किया था, और ये प्रोजेक्ट बैरियर फेस 7 के अंदर डायमंड एक्सलेंसी के नाम से बन रहा है। ये 45 किनार के ऊपर प्रोजेक्ट बन रहा है और ये 8 टावर्स के ऊपर मुश्तमल है, और ये प्योरली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स है सारी। इसके अंदर डिफरेंट साइज के अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे 1 बेड भी हैं, 2 बेड भी हैं, 3 बेड भी हैं, 4 बेड अपार्टमेंट्स भी हैं। तो ये डिफरेंट अपार्टमेंट्स हैं। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे जो 4 बेड अपार्टमेंट है उसका जो तो एक वहां पे मॉडल बना हुआ है, वो मॉडल आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। करूंगा कि मैप के ऊपर भी मैं एक्सप्लेन कर दूं, साथ ही मैं एक्चुअल जो मॉडल जो मैंने विजिट किया था वहां पे, जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो आपके साथ मैं शेयर करूँ। लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए और अपने अहबाब के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो नाजिन, आइए चलते, मैं आपको अपनी एलसीडी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, वहां पे जाके इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो टावर 2 है उसके मैप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और उसके अंदर जो अपार्टमेंट्स की पोजीशन है वो आपको शेयर करता हूँ। जैसे मैंने जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर भी मैंने बताया था कि टावर 2 के अंदर टोटली हर फ्लोर के ऊपर सिर्फ 4 अपार्टमेंट्स होंगे। जैसे अगर हम देखें, एक अपार्टमेंट ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये, 4 अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग से है। यानी इसके अंदर 4 अपार्टमेंट्स होंगे एक फ्लोर के ऊपर, और टोटल इसके अंदर चूंकि 10 फ्लोर है तो 40 अपार्टमेंट्स इसके अंदर है। अभी मैं इस एक अपार्टमेंट की आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे अगर हम इस अपार्टमेंट की मैं बात करूँ, इस अपार्टमेंट के अंदर अगर आप यहाँ देखें तो ये साथ ही सर्वेंट क्वार्टर आ जाता है, और इसके साथ जब अंदर दाखिल होंगे तो यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत किचन बना हुआ है। इस किचन की मैं वीडियो भी साथ आपको शेयर कर रहा हूँ। इस किचन के अंदर आप ये देख सकते हैं, मार्बल वर्क बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है। फिर कैबिनेट्स बड़ी अच्छी खूबसूरत बनाई हुई है इन्होंने। टायर वर्क जो है वो भी बड़ा अच्छा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत डिजाइन किया हुआ किचन है ये। इसी तरह से इस किचन के साथ ये आप कॉर्नर के ऊपर बैल्कनी देख रहे हैं, यहाँ से आपको एक बड़ा जबरदस्त व्यू नजर आए जब आप फजमल हाइट के ऊपर मौजूद हैं, और आपको सराउंडिंग का एक बेहतरीन खूबसूरत व्यू यहाँ से नजर आएगा। जब आप किचन से निकलते हैं इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे ये आपका ड्राइंग रूम आ जाता है। ड्राइंग रूम की वीडियो भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए कि कितने खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और यहां सामने ग्लास लगा हुआ है इस जगह पे। फिर तो ये पाउडर रूम है, जब आप यहां से इस लॉबी से गुजरते हुए अंदर आते हैं तो ये आप लाउंज के अंदर आ गए, और लाउंज आपके तमाम बेड्स के साथ कनेक्टेड है। ये बेसिकली इसका 4 बेड अपार्टमेंट है, उसका मॉडल अपार्टमेंट है ये। और ये अभी हम इस वक्त इसके जो लाउंज है उसको हम देख रहे हैं। इसके सीलिंग्स को आप देखिए, बड़ा नाइस वर्क किया हुआ है, सेंट्रली एयर कंडीशनड। लाउंज खूबसूरत बना रहे हैं। इसके साथ ये एक रूम जो है इसका बेडरूम आपका है, ये बेडरूम आप देखिए। इसी बेडरूम के अंदर ये डिफरेंट एंगल से मैं बेडरूम आपको दिखा रहा हूं। फिर इसके साथ जो अटैच बाथ है इसको आप देखिए।
वार्डरोब भी इसके अंदर मौजूद है। एक बेडरूम ये है, इसके बाद ये लाउंज, फिर एक ये बेडरूम है, एक इसके सामने ये बेडरूम है और एक इस साइड पे करके बेडरूम आ जाएगा ये वाला। इसी तरह से एक इसके अंदर ये बेडरूम है, वॉशरूम इसका, इसी ग्लास देखिए, फिर एक यहां पे ये बेडरूम है अटैच बाथ के साथ, ये भी अब चौथा रूम आपको दिखाने जा रहा हूं। इस रूम का वॉशरूम, नाज़रीन आपने ये वीडियो भी देखी जो मैंने वहाँ पे बनाई, साथ ही मैं कोशिश की कि मैंने आपको मैप के ऊपर भी साथ ही शेयर भी कर दिया कि आप मैप के ऊपर ये किस तरह से है और फिजिकली वहाँ पे जो मॉडल अपार्टमेंट बना हुआ वो कैसा बना हुआ और अच्छा खूबसूरत मॉडल अपार्टमेंट इसका बना हुआ था। तो नाज़रीन आप डायमंड एक्सीलेंसी के अंदर किसी भी अपार्टमेंट की बुकिंग करवाना चाहें, यहाँ पे आपको इंशाल्लाह अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप इसके वाले से जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें आप हमारी जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप इसके वाले से कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें आप हमारी जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आखिर में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपने अहबाब के साथ शेयर भी कर दीजिए। आप सब दोस्तों को देखने सुनने के बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।